नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद काजल एडी में। और काजल एक विशेष पर्पज, एक विशेष खास स्टोरी दिखाने जा रहे हैं आप। ना कोई दया को अमीर आदमी है, ना कोई इंजीनियर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई हरपति। हम ऐसी स्टोरी दिखाएंगे आपके दिल को झंझकोर के रख देगी, और आपको एक आईना भी दिखाएगी स्टोरी कि वास्तव में ही सेवा क्या होती है, त्याग क्या होता है। और वो कहते हैं दान दक्षिणा, वो देना होता क्या। आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। विधवा महिला है, लगभग 65-70 वर्ष की है, पति की मृत्यु हो चुकी है, बनवारी लाल स्वर्गीय, अकेली है, बच्चे भी नहीं हैं। काफ़ी पैसा लगा था पति की मौत में, काफ़ी धन खर्च हुआ, लेकिन वो नहीं बच पाए। उन्होंने अपना कर्जा तो उतारा, साथ में सब 35 लाख के आसपास की ज़मीन श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला खजूरी जाटी काजलहेड़ी में सब गौ माताओं को वो दे दी, दान दे दी, गौ माताओं के अर्पित कर दी चरणों में अपनी ज़मीन इस महिला ने। और ख़ास बात यह है कि मोदी जी का भी कहीं ना कहीं वो मन की बात होती है उसके अंदर। इन गांव की महिला, कोई पढ़ी लिखी नहीं, देसी पुराने ज़माने की, नाम आया है, यानी कि मोदी जी इनसे मन की बात भी करेंगे। पहले घर दिखा देता हूँ मैं इनका, देख लीजिए। पहले ये घर था इनका, ये देख लीजिए, बिल्कुल टूटा फूटा। ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये इनका घर है। और टॉयलेट दिखाता हूँ मैं, 1 करोड़ की लागत का। जैसे आपके इनका टॉयलेट देखोगे दंग रह जाओगे। ये देख लीजिए, ये चांदी के कवाड़ लगे हुए टॉयलेट में, लेकिन दिल बड़ा है। ये टॉयलेट है इनका, यानी कि मात्र ही छोटा सा टॉयलेट और दरवाज़ा तक नहीं है, लेकिन दिल इतना बड़ा है। यानी कि 35 लाख रुपए से तो सावित्री देवी, जो महान महिला हैं, बड़े बड़े जो दानी सज्जन हैं, टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी सबको पछाड़ दिया है। दान दक्षिणा ये होता है देना। खुद के पास कुछ नहीं है, लेकिन गौ माताओं के लिए इन्होंने सोचा इतना बड़ा। ये अकेली है, छोटा सा मकान भी है इनका, बाजू में सामने टूटा हुआ है जी, बाजू में बनाया हुआ है, सारा टूटा फूटा पड़ा है, ये देख लीजिए। अकेली रहती हैं, और हम उनसे सीधे आपको मिलवाई देते हैं, इंतजार नहीं करवाएंगे, क्योंकि सावित्री देवी से मिलना आप लोगों के बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ देख लीजिए ये तस्वीरों में जी, सावित्री देवी है। कितनी उम्र हो चुकी? उम्र तो चुकी है, सत्तर साल तो है ही है। अच्छा, चौकी उम्र है 70 साल। और के? तो आप बनवारी लाल जी कितने साल पहले चले गए थे? अभी 2 साल है, 5 महीना गया। तो काफी पैसा खर्च हुआ बीमारी में? हाँ, घना ही आया। तो पैसा कहाँ किसने? बस इंतरे थारा पर का टाइम पास है। अच्छा। और 1 किलो जमीन बाबी की वह बीमारी पर लगा दी की भूमि दान कर दी। ये गौशाला में क्यों दे दी आपने? बस वहा वांगो गए डो आपको गैड़ो। पति जी का सपना था। हाँ, बोले आते जमीन गौशाला में दान करा थे। अच्छा। और मेरे वर्गी? आपके पास ना तो कोई पेंशन, ना कोई तनख्वाह, ना कोई जमीन, ना कोई घर, ना कोई जायदाद, अकेली हैं, बच्चे नहीं हैं, क्या खाएंगी? 35 लाख सूखे तो बहुत कुछ कमा के खा सके, पूरी जिंदगी गुजार लेते। ओए भगवान दई, प्रजंबेश्वर भगवान दई, गौ माता दई। और इधर ही टाइम पास जी, कह आप इत ले जा सती पर कौन ले जा आंदा ना, टाइम पास जी, पेट में रोटी पर जी। हुआ दो रोटी चाहिए? दो रोटी चाहिए आप, गुजारा हो जाएगा, गुजारा जी, कुछ नहीं चाहिए। कोई गोली दवाई दे रहा दे थार पर गए छोरा। हाँ, अभी आजकल हर दा को नहीं कई दिन गया, नमूनी बन गया जी, सेवा कर रहे हैं कह रहे हमको आ रहे जी। अच्छा, मैंने एक बात समझ में नहीं आई। चलो आपके बच्चे नहीं है, चलो कोई नहीं है, लेकिन ये बहन के लड़के हैं, आपके जो और भी होंगे मामा फूफा बुआ भतीजा में, तो उन्होंने ये जमीन दी 35 लाख के आसपास की कीमत की, रोका नहीं उन्होंने? सारा फुल दान में दे दो। एक आध दान तो कही होगी, न्यू कतरा देगी, हम लेंगे जमीन कने, कौन गयो? झूठ नहीं बोलू मैं, सारा परिवार खुश है जी, खुश है मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे कपी कौन ले जाए, कांच को कॉपी कौन ले गया, ना ही ले जाए। क्या बोले? बोले मैं कौन गौ सलाम दान दे दो भगवान बनवारी जी की छाई। हाँ, मेरे कौन ले जाने। कितनी पेंशन मिले? पेंशन तो भाई जारी मिले, काम चल चल है, की कौन सा लेवा।
अंग्रेज वाला है और देख लिया था कोई बीमार रहते है जी बुखार रहता है बुखार से उठ के आए बुखार उठ रही इतनी आई हूँ बस ये तस्वीर देख लीजिए ये सावित्री देवी है इनका नाम तो आपने एक बहुत सावित्री देवी सुनी होगी राजा महाराजों के पुराने जमाने में अपने सती सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले आई थी और आज दोबारा से दूसरी सावित्री से मिलवाया मैंने उसी जमाने की अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ एक एकड़ जमीन कीमत लगभग 35 लाख के आसपास होगी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी साहब वो गौशाला को दे दी वो जमीन इस महिला ने 9 करनाल जमीन आप 1 रुपया नहीं दे सकते गौशाला के लिए साहब आप 1 पैसा खर्च नहीं कर सकते अगर आपकी बीबी हो आपका बच्चा हो शॉपिंग में आप 10,000 रुपये एक मिनट में 20,000 रुपये खर्च कर देते हो बेटे को साइकिल चाहिए बेटे को बाइक चाहिए बेटे को जींस चाहिए बेटे को जूते चाहिए तो आप तुरंत पेटीएम या पैसे निकाल कर दे देते हो जब गौशाला की या किसी भूखे की या किसी अन्य की लोगों की बात आए ना आप उसके नज़दीक नहीं फटकते 100 रुपये जेब में निकालने से 10 बार सोचते दे या ना दे, दे या ना दे ये होता है दान तस्वीरों में देख लीजिए बार बार सलूट करता हूँ मैं सावित्री देवी को सतयुग की सावित्री देवी है ये और मोदी जी ने मन की बात में सावित्री देवी को बुलाया है कुछ नहीं है इनके पास जमीन थी वो भी चली गई एक बाथरूम बचा है 1 करोड़ का बस जिसके दरवाजे भी नहीं हैं रहने के लिए घर नहीं है लेकिन इनके रिश्तेदारों को भी सलूट करता हूँ मैं बुआ फूफा मामा भतीजा भाई बंधु किसी ने भी ये नहीं कहा कि इन 35 लाख की लागत की ज़मीन को आप क्यों दें हम लेंगे आधे आधे पैसे बांटेंगे 5-5 लाख रुपए लेकिन सभी ने ये कहा आप दे दीजिए हमें कुछ नहीं चाहिए हमें आपका कुछ नहीं चाहिए इनके वास्तव परिवार के लोग भी मैं धन्य है सलूट करता हूँ इन लोगों को भी मैं हम काजीलेड़ी गांव में मौजूद हैं और ये वो गांव है फतेहाबाद का जहाँ से एक ऐसी दानी सदर ऐसी महिला आज तक देश में पैदा नहीं हुई है दान दक्षिणा सब देते हैं करोड़ों रुपए अरबों रुपए देते हैं लेकिन उनके पास पीछे खरबपति कमरे भरे होते हैं पैसे के भंडार भरा होता है जिनके पास कुछ नहीं होता ना वो होता है असली दानी असली राजा दिल का हीरा और दिलदार तो ये महिला जो सावित्री देवी है मेरे साथ बुजुर्ग हैं सावित्री देवी और बुखार से खड़ी होकर आई हैं और यहाँ पे रहती नहीं है किसी दूसरे काम से बुलाया इनको हमने कहा आप कुछ सबक लीजिए 5 रुपये के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है आजकल सब 5 रुपये के लिए भाई भाई को मारते देखा है मैंने सब छोटी सी जमीन के लिए रोज आप कसिया उठा के भाई के म्याल को काटते रहते हैं कि रात को जाके म्याल को छोटा करते अपने खेत में मिलाते हैं और इनको देखिए आओ देखा ना ताओ तुरंत अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए वो जमीन ही दे दी पूरी और इनको पता इनके पास कुछ नहीं है उस जमीन के सहारे इसको खाना मिल जाता ये सोचती तो इनकी उस जमीन के सहारे 35 लाख में पूरे जीवन आराम से व्यतीत कर सकती थी लेकिन आज कोड़ी कोड़ी के लिए भी ये मोहताज तो नहीं है पूरा गाँव साथ है सभी साथ है कोई दुख तो नहीं है आपको अभी दूसरा नाम चढ़ोया मेरी ईंट ईंट है घर की और लोगे चढ़ा रखी है जमीन तो बराबर ये चलो तो या पाऊंगा भाई चलो कोई बात नहीं कोई नहीं ठीक ठीक आप बात करेंगे आप थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा सा मुझे आप क्या लगते हैं ये मौसी जी है जी मेरी तो आप आपके पास रहते हैं हाँ हमारे कौन से गांव में रहते हैं जलनिया गांव में जी फतेहाबाद में यहाँ से कितने दूर पड़ता है लगभग 10-11 किलोमीटर आपके पास हाँ जी हाँ जी तो जब जमीन गौशाला को दी तो आपने रोका नहीं इनको 35 लाख रुपए मुझे ला के दो नहीं, नहीं। उसके बाद आपको रोटी देंगे नहीं सर हम तो सेवा कर रहे हैं इनकी अब 12 आपके मन में कभी आया यार ये जमीन ये बूढ़िया पागल हो चुकी बूढ़ी जमीन इन्होंने पहले भी हम तो जब भी फोन आता है चाहे हमारे घी का मान लो देसी भाषा में कहते भी घी का घड़ा डोल रहा है अगर वो खिलर रहा है तो खिलर रहा है हमें इनके पास आना ही आना है हाँ चाहे रात को 12 बजे हो चाहे 3 बजे हो मौसा जी को भी रोहतक लेके गए हम लोग उनकी भी अच्छी मान लो नौकरी छोड़ के सेवा भाई फरीदाबाद में वहाँ चेतक लॉजिस्टिक में था तो इन मौसा जी के लिए वहाँ से आ गया नौकरी छोड़ दी हाँ नौकरी छोड़ दी क्या बात है देख लीजिए एक ये भी परिवार है
अरे भाई मोची लगती है ये, और मोचे को गांव बसते हैं भाई, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी दाव पे लगा दी और मोची को अब अपने पास रख रहे हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, घी का डोल गुड़ता फिरो। घर छोड़ दिए मन, यहाँ भी रहते हैं वहीं जाते जाते रहते हैं। जैसे फोन आता है उसके साथ ही हम, हमारा काम कोई भी हम बीच में छोड़ेंगे, हम यहाँ आएंगे, हमारे घर वाला हमारा खुद का काम हो ना हो लेकिन हम इनके तत्पर रहते हैं हमेशा जी। सावित्री देवी जी, आपका जितना नाम और जितनी आपकी शक्ल सूरत, आप भगवान स्वरूप हैं, भगवान का दूसरा रूप हैं, और मोदी जी बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बातचीत करने वाले हैं, कैसा लगेगा बातचीत करेंगे जब? खुशी होगी, बहुत अच्छी खुशी होगी तो खुशी है वैसे तो मोदी बात करे जी ना। मोदी करेंगे तो क्या क्या, क्या बात करेंगे मोदी जी से आपके, क्या कहेंगे? क्या के भैया अच्छा करियो काम, गौ माता दी भूमि। अच्छा आपको मोदी जी ये कहेंगे बोलो आपको क्या चाहिए, क्या मांगते हो भाई? मैं कलम से कर दूंगा, क्या मांगे? कोई गौ माता खातर मांग ला। हाँ अच्छा दान। अच्छा गौ माता खातर मांगूंगा तो अपने खातर की कि अपने खातर के ध्यान की गौ माता भाई कोई तोड़ी तल्लो सो बात है। हाँ। जिंदा पल्लो। अच्छा, ये पल्लो कौन है के ये देख, ये संस्कार आजकल की महिलाएं सब पल्ला तो दूर कहीं बाहर पड़ा होता, जींस पैंट में घूमती, चाहे ससुराल चाहे सासू आओ, चाहे जेठ आओ चाहे फूफा आओ चाहे कुत्ता आओ चाहे बिल्ली आओ, कोई मतलब नहीं किसी से, सब 70 वर्ष उम्र है। ये बुजुर्ग आदमी अंदर आया है और पल्ला कर लिया आपने। से तो के तो, हमारे आई हमारे संस्कार, ये संस्कार, ये संस्कार चले गए हमारे देश के, बड़ा दुख होता है हमारे संस्कार कहाँ चले गए। ये हमारी माता जी देख लीजिए साहब, ये दानी सज्जन हसली, इनके सामने सब फीके हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे धीरू हो चाहे अंबानी हो चाहे टाटा बिरला हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, ये होता है असली दान। एक एकड़ जमीन कुछ नहीं है इस महिला के, और हम भारत के जो प्रधानमंत्री जो बातचीत करेंगे इस महिला से, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सावित्री देवी से बातचीत करेंगे, उस समय सावित्री देवी के मन में क्या होगा, क्या कहेगी, क्या बातचीत करेगी, वो तो उस समय आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले गोदरा साहब कैसा लग रहा है, आपके गाँव में अलग अलग प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं? ऐसे है, मैं दादी जी से गुरु जी की सत्संग थी, हमारे आदरणीय स्वामी श्री राजेंद्र जी महाराज कथा करते हैं, और कथा में गौओं के बारे में इतनी अच्छी कथा करते हैं। माता जी को उनकी कथा सुनाने के लिए मैं गांव बड़ोपुर लेके गया था, और उन्होंने गाय के बारे में और उनकी बताया था, तो माता जी वहाँ प्रभावित हो गए। माता जी ने और इनके जो साथ राम कुमार जी, इन्होंने कहा भाई आपके दादाजी का एक सपना था भी, मैं भी भूमिदान करना चाहती हूँ। मैंने मेरे गाँव की कमेटी विनोद जी से सलाह की, कजल और खजूरी दो गाँव के मौजूद लोगों से, गौशाला कमेटी से सलाह मशवरा करके मैंने 8-10 महीने में इनके सारे परिवार को, इनके चाचा ताऊ भाई सबको पूछा, इन्होंने कहा भी हम बड़ा खुश और अच्छा महसूस करेंगे माता जी दान करते हैं। हाँ जी चलो, ये तो हो गया सारा काम। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है, अभी जो हमारी जो सावित्री देवी जी हैं, इनकी मूर्ति या इनके गौशाला के बाहर कुछ बड़ा कोई नाम ऐसा कुछ जो अभी इनका होना चाहिए, क्योंकि दान असल में ये होता है। बनाएंगे, हमने अभी 10-11 दिन हुए, हमने आदरणीय डी साहब से इनको प्रशस्ति पत्र और गुलदस्ता भेंट किया था, और जैसे हमारे सत्संग है 10वें महीने में, और बहुत बड़ा आयोजन हम कथा का करते हैं, गौ कथा करवाते हैं, राजेंद्र जी गुरु राजेंद्र जी महाराज है करेंगे, आप गौशाला प्रधान है, साथ में उसकी प्रतिमा। हाँ जी नाम इनका मेमेंटो पत्थर लगवाएंगे प्रतिमा पे, हम नजायज खर्चा नहीं करना चाहते, और सरकार से हम प्रार्थना करते हैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री, और उन्होंने गौ आयोग गठित करके गौशाला के लिए बहुत कुछ दान कर रहे हैं जी, और उनसे प्रार्थना। जी थैंक यू सरपंच साहब, मेरे साथ बातचीत में देख लीजिए तस्वीरों, पूरा यहाँ गाँव लगभग खड़ा हुआ है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक सूर्य चांद रहेगा सावित्री देवी तुम्हारा नाम रहेगा, यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा सावित्री देवी का नाम। जी जी जी, हम आदरणीय मोदी साहब से और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से, माता सावित्री जी थोड़े अनपढ़ हैं, कम पढ़े हुए हैं, इनकी ख्वाहिश है कि हमारे उसमें जो रजिस्ट्री करवाते हैं उसमें स्टाम्प ड्यूटी हमारे 1 लाख रुपये खर्चा है सर, वो हम गरीब गांव है, छोटा गांव है, इसकी 2-2 एकड़ हमारे सबके छोटे जिम्मेदार हैं, तो और गाँव में फसल हम गन्ने की करते हैं, 2 साल से लॉकडाउन की वजह से गांव में बहुत आर्थिक मंदी है, तो सभी पूरे देश के अंदर गौशाला के अंदर लिखाई का पैसा सरकार ना ले हमसे, वो 1 लाख रुपये हमने बड़े मुश्किल से इकट्ठा किया है, तो वापस दिया जाए और पूरे हरियाणा में कानून बनाया जाए
खट्टर साहब देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, हमारी बात आप तक जरूर पहुंचती है, ये ना पूछे ये अलग बात है, लेकिन बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, एक रुपया घर से चंदा करके जो जमीन दी है दान में उसका पैसा ना लिया जाए, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लिखाई का है कम से कम रजिस्ट्री का, गौशाला को लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। मेरे साथ कुछ गांव के लोग बने हुए जी, क्या देख रहे हो मोबाइल घंटी कर रहे हैं। कहना साहब कैसे लग रहा है इतना बड़ा नाम गांव का? ये बात बहुत बहुत ही अच्छी आवाज़ है, ऐसा दान करने वाली महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में अभी तक मैंने सुना नहीं गौशाला किसी ने इतनी जमीन दान की हो, और जिसका कोई सहारा भी नहीं, सिर्फ 2,500 रुपये इनको पेंशन मिलती है, उससे हम चाहें तो भी जैसे बीमार है इनका मेडिकल की ऐसी बीमारी आ जाए उसमें पूर्ता नहीं पड़ती, लेकिन इनकी दिल की तमन्ना थी, इनके हस्बैंड की तमन्ना थी, इन्होंने किया, ये बहुत ही अच्छा किया, और ये हर आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया जी इन्होंने। अच्छा किया क्यों जी? सही किया जी, काम बहुत। परिवार से? परिवार से। भतीजे? हाँ। आपने मना नहीं किया? उनका बुढ़ी उड़ान दे दे ये 35 लाख रुपया तेजे हो आम ना 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 दे दे दान दे 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 न्यू तो नहीं कह दी मैं तो मेरी जमीन दूंगी मैं खुद ही बाप का ना तेरा कहा थे नहीं कही राय तो नहीं ना तो आपकी सही बताओ राजीना राजिया सब राजिया ने आया नहीं हमारी को नहीं सही बात है उदास खड़े हो ना 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 पैदी इलाके से भी ना ना चलो मोदी जी बात करेंगे साउथ के कैसे लगेगा बहुत करीब है ना बता करी जी ने ठा लाग भी के बात है हां अभी के ठा लाग बात ठीक है जी थैंक यू जी बहुत बढ़िया करिया जी बहुत अच्छा करिया चलो तो ये तस्वीरों में देख लीजिए तस्वीरों में देख लीजिए जी आप साथ हाँ जी क्या नाम माया देवी अच्छा क्या लगती है आपको सास लगती है सगी नहीं काकेर सास कैसा व्यवहार रहा पहले आपका कितनी साल हो गई यहाँ रहते इस गांव में आपको आए 40 साल लग गया आपको 40 साल हो गया हाँ जी तो 40 साल पहले ये ठीक ठाक थी और आप छोटी थी तो फिर क्या लड़ाई वड़ाई होती थी आपकी कभी नहीं जी नहीं नहीं लड़ाई भिड़ाई कैसा व्यवहार रहा इनका बहुत अच्छा रहा कभी थोड़ी गाड़ दफड़ थोड़ा नहीं जी तो आपने दे दिया होगे नहीं जी कुछ नहीं किया तो जमीन के बारे में क्या कहूँ जमीन दे दी इन्होंने जमीन तो बहुत अच्छा काम किया जी गौओं के लिए तो परिवार का नाम अभी मोदी जी बातचीत करेंगे मन की बात तो साथ आप साथ जाएंगे हाँ जी साथ जाएंगे जी आप भी चुप चुप खड़ी हो अच्छा ये जब 40 साल पहले आई थी ये क्या था पीछे ये टूटा पड़ा है ये कच्चे मकान थे जी उनकी छत सी अभी छत गिर गई इसमें रहते थे हाँ क्या क्या बनाते थे इसमें क्या क्या था चूल्हा रसोई हाँ सर ये चूल्हा रसोई थैंक यू तो भाई सभी इन बातों के साथ आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ थी हमने आपको दिखाया इनसे आप प्रेरणा जरूर लेके जाएंगे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप जहाँ जरूरत होगी जरूर करेंगे खाली अपनी बीवी बच्चों तक सीमित ना रहें क्योंकि देश में हर चीज़ की हर समय हर व्यक्ति की जरूरत होती है तो आप भाईचारा भी कायम रखें और सावित्री देवी से जरूर पूरे भारत के लोग प्रेरणा लेंगे ये कर सकती है 70 साल के तो आप क्यों नहीं कर सकते तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24 नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 जहां हर खबर मिले सच के साथ।